न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि अभी तक ये जानकारी नहीं हुई कि पहली हत्या प्रेम यादव की कैसे हुई और क्या सरकार छिपाना चाहती है। जो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे उन्हें कई अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा, और अगर अधिकारियों को सस्पेंड किया तो इसका मतलब ये है कि सरकार ये स्वीकार कर रही है कि अधिकारियों की नाकामी रही है जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई। और फिर पारिवारिक चीजों में हम क्यों उलझे कि एक भाई ने जमीन बेच दी, वो भाई जमीन देने को तैयार है, तो ये जमीन का विवाद तो अलग बात है, लेकिन आखिरकार पीछे कौन है? और फिर सरकार आखिरकार क्यों इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है? सरकार क्यों राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है? जीरो टॉलरेंस की बात जो करते हैं उन्हें कम से कम पूरा का पूरे दोनों परिवारों को न्याय दें। सर ये पर एक परिवार से मिलने ये बुलडोजर वहाँ पे मिला नहीं परिवार आपको? देखिए मैं तो परिवार से मिलने आया, घटना स्थल गया, उस गाँव में भी गया जहाँ घटना हुई, और श्रद्धांजलि भी दी जो परिवारों की जान गई है, और इस परिवार से मिला। हमारे अंदर समाजवादियों के जितने साथी हैं वो सब चाहते थे कि दोनों परिवारों से मिले। अगर वो परिवार नहीं मिलना चाहता इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अगर वो परिवार नहीं मिलना चाहता है तो हम नहीं मिले। अब मुझसे ये पूछोगे कि मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो हम पे आरोप लगा रहे हैं, इस प्रेम यादव को माफिया कह रहे हैं, जमीन के गुंडा अपराधी कह रहे हैं, बुलडोजर की धमकी दे रहे हैं। अरे बताओ एक भी केस उसके पास हुआ उसके ऊपर? कोई प्रधान बनता है, जिला पंचायत सदस्य बनता है, समाज में अच्छा काम करता है, समाजवादी, बस उसका दोष इतना है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में और समाजवादी नीतियों का प्रचार कर रहा है। बुलडोजर संस्कृति नहीं हो सकती है लोकतंत्र में। और जो लोग बुलडोजर, अरे बुलडोजर क्या कार्रवाई करेगा, तुम और भड़काना चाहते हो, अरे ले जाओ ना तुम मुख्यमंत्री से ले आओ ना बुलडोजर, तुम ले आओ पत्रकार भाई, तुम्हारा मन कर रहा हो। अरे नोटिस तो ये क्या, अधिकारी क्या है, सरकार के सारे पे काम कर। इसलिए मैंने कहा शासन प्रशासन के लिए और न्याय के लिए देवरिया कांड एक चुनौती है, और अगर डीएम ये स्वीकार कर रहे हैं कि एक घटना के बाद दूसरी घटना रिटेलिएशन है, और तीसरी बात सरकार ये स्वीकार कर रही है कि उनके छोटे अधिकारियों से गलती हुई है जिसकी वजह से कितने अधिकारी सस्पेंड हुए, 20 हुए कि नहीं हुए, तो फिर अरे पत्रकार साथियों पत्रकारिता करो, क्यों बोले जाइए कि आप लोगों ने लगातार घटना के बारे में समय समय पर जानकारियां दी। देवरिया कांड शासन प्रशासन और न्याय के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिस तरह की घटना हुई है हम सभी लोग उस मिलकर के उस घटना का निंदा करते हैं। ऐसी दर्दनाक घटना उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिली, इधर ऐसी घटनाएं नहीं हुई थी कि जहां पर इस तरह का घटनाक्रम हो कि लोगों की एक साथ इतने लोगों की जान चली जाए। जिस समय घटना हुई उसके बाद सभी चैनल टीवी और सबने जानकारी देना शुरू कर दिया। मुझे याद है मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वो बयान सुना जिसमें यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि घटना के बाद रिटेलिएशन में दूसरी घटना हुई है। तो ये विषय शासन प्रशासन और न्याय के लिए महत्वपूर्ण इसलिए बनता है कि अभी तक सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती थी, घटना पहली कैसे हुई उसकी भी सच्चाई अभी तक सामने नहीं ला पाए। प्रेम यादव का मरना, उन्हें घर बुलाना, उसके बाद किसी धारदार हथियार से जान ले लेना, उसके बाद आसपास के क्षेत्र पे ये सूचना जाना मिल जाना कि उनकी जान चली गई, लोग गए, और उसके बाद ये घटना हुई।